हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसकेजी क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि अगले महीने यानी कि फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस तरह की फिक्र होती है कि वो कैसे इस एग्जाम को अच्छे से पास कर पाएंगे, या उनको अच्छा मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर उनको तैयारी कैसे करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है, क्या चीजें पढ़े जो एग्जाम में आएगा और क्या चीजें उनको नहीं पढ़ना चाहिए। तो अगर आपके भी मन में ऐसा कुछ सवाल है तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। स्टूडेंट्स, मैं 4 टिप्स लेकर आया हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, जो हमारा सबसे पहला टिप्स है वो है टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट दोस्तों, किसी भी तरह की अगर आप तैयारी करते हैं या कोई भी काम करते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, एक अच्छा टारगेट पाने के लिए, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट का। बहुत सारे लोग काम तो करते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन अगर उनका टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ रहता है तो वो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ नहीं पाते हैं, या जो उनको गोल अचीव करना रहता है वो नहीं कर पाते। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको अपने एक पढ़ाई का टाइम मैनेजमेंट बनाकर रखना पड़ेगा कि किस टाइम आपको पढ़ना है और किस टाइम आपको नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, आपको एक ऐसा माहौल ढूंढना पड़ेगा जो बहुत ही ज्यादा शांत हो और जहां पर आप अच्छे से बिना किसी डिस्टरबेंस के पढ़ाई कर पाए। तो ऐसे में मैं कुछ आपको सजेशन दूंगा, जैसे कि अगर आपको पढ़ाई करना है तो आप शाम को, जब आप रात में क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में बेड पर जाते हैं, तो उस समय आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। ऐसे में भी आप अगर आप 9 बजे सोते हैं तो 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक 3 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक या फिर 7 बजे तक आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले दिन जो पूरी थकावट रहती है, आपको पूरे रात भर रेस्ट करने के बाद में आपका बॉडी अच्छे से फिट हो जाता है और उसके बाद में फिर जो आपका स्ट्रेस होता है यानी माइंड जो होता है वो फ्रेश हो जाता है। तो ऐसे में आप अगर कोई भी चीज पढ़ते हैं तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा और सुबह का माहौल भी बहुत शांत और अच्छा होता है। ऐसे समय में मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगा कि आप मॉर्निंग के टाइम में ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो आपके पास दो तरह का टाइम है, एक तो आप रात में भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप सुबह में भी पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टिप्स की तरफ, जो कि है हार्ड सब्जेक्ट वर्सेज इजी सब्जेक्ट। अब आप समझेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, तो आपको बता दें कि हर एक स्टूडेंट के लाइफ में ऐसा होता है कि वो उसको सभी सब्जेक्ट अच्छे से या पूरी तरीके से नहीं आते। कुछ सब्जेक्ट उसके होते हैं जो वीक होता है उसमें, और कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें वो काफी स्ट्रांग होता है। तो दोस्तों, आपको पहले तो डिफाइन कर लेना है कि आपके कौन से सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे से यानी काफी उसमें इंटरेस्ट आप लेते हैं और कौन सा सब्जेक्ट है जो काफी हार्ड लगता है आपको, बहुत मुश्किल लगता है उसको पढ़ाई करना। तो ऐसे में ऐसे सब्जेक्ट को आप डिवाइड कर लेना। उसके बाद आपको करना क्या है कि दोस्तों, जो जो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है अगर आप उस पर कम समय देते हैं यानी उसमें थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है उसमें आपको ज्यादा समय देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसमें ज्यादा समय देंगे तो आप उस हार्ड सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और वो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ऐसे में डिसाइड ये करें कि आपके लिए कौन सा इजी सब्जेक्ट है और कौन सा हार्ड सब्जेक्ट है, उसको डिवाइड कर लेना है और हार्ड सब्जेक्ट को ज्यादा समय देना है और इजी सब्जेक्ट को कम समय देना है। नंबर 3 दोस्तों, जो हमारा नंबर 3 का जो टिप्स है वो है 80-20 रूल। 80-20 रूल्स मींस ये होता है दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसे होती है, बहुत सारे सिलेबस में हम देखते हैं कि जो हमें ज्यादातर जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए होते हैं वो तो हमने ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं या उस पर हमने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, या फिर जो चीज हम नहीं पढ़े हैं ठीक से, ज्यादा हम नहीं उस पर केयर किए हैं, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो चीज हम कम पढ़ते हैं यानी कुछ सिलेबस ऐसे, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसको ज्यादा हम नहीं पढ़ते हैं, वहां से 80% क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि एग्जाम में ज्यादातर कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके अगल बगल पास पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे पहले बोर्ड एग्जाम दे चुके होंगे, तो आप उनसे क्या करिए कि क्वेश्चन पेपर मांग सकते हैं। क्वेश्चन पेपर मांगने के बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें से आपको कुछ हिंट मिल जाएगा कि ज्यादातर क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं या किस चैप्टर से आते हैं, तो इसमें काफी आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा। और जिस सब्जेक्ट से या जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वही वाला चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आप कम पढ़ोगे और आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप ऐसे ही एफर्ट करते रहेंगे बिना सोचे समझे तो आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। दोस्तों, हमारा लास्ट और 4 नंबर का जो टिप्स है वो है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। दोस्तों, आप कितना भी पढ़ाई कर लें, कुछ भी कर लें, कितना भी मेहनत कर लें, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप सब कुछ भूलने वाले हैं और उसका कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। किसी भी चीज में दोस्त, किसी भी फील्ड में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बोलते हैं
कि प्रैक्टिस मेक माइंड परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता तो है। आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहना है, यानी कि आप जितना भी चीजें पढ़ते हैं या जितने टाइम तक पढ़ते हैं, डेली बाय डेली आपको उसको रिवाइज करते रहना है। रिवाइज करने से क्या होगा कि आप डेली बाय डेली जो चीज आप पढ़ते हो उसको डेली डेली अगर देखते हो तो आपके माइंड में वो कहीं ना कहीं फिट हो जाता है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टोरी या कोई सॉन्ग है, अगर आप डेली उस सॉन्ग को सुनते हैं या उस स्टोरी को सुनते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि जब आपको वो सॉन्ग या वो स्टोरी अच्छे से याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप बार 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 उस सॉन्ग को या उस स्टोरी को रिपीट करके सुन रहे तो हो। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी होगा, आप जो भी डेली पढ़ते हैं उसको आप अच्छे से रिवाइज करें, डेली बाय डेली थोड़ा समय निकालें, सारी चीजों को रिवाइज करते रहें, और ऐसे में क्या होगा कि आपको अच्छे से हर एक चीज याद हो जाएगा और आप अच्छे से एग्जाम में जाकर लिख सकते हैं, और उसके बाद में फिर आपको एक अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी और तरह की हेल्प या टिप्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।